हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल, कम बैक। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। अक्सर लोग ड्राइविंग सीखते हैं, उसके बाद अपनी कार चलाने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत घबराहट होती है। तो कोशिश ये रहती है कि जिन स्टूडेंट के पास अपनी कार होती है उनको मैं लास्ट के 2-3 डेज उनकी गाड़ी से चलवा देता हूँ, ताकि जो भी उनके डाउट हों वो क्लियर हो जाएँ। क्योंकि सीखना एक अलग, और एक्चुअल कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप अकेले चलाते। तो जब तक आप कार अकेले नहीं चलाओगे वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है। एक मेरा सेकंड चैनल है, कार नॉलेज बाय राहुल, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कौन सा डे, क्या कॉन्फिडेंस? हेलो मैम, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? ओके, खाना नहीं खाया आपने? इतना स्लो क्यों बोल रहे हो? क्या नाम बताया आपने? पूजा। और कौन सा डे है आज? फाइनल डे। और कौन सी कार चला रही हैं आप? एक्सयूवी। ओके, टॉप मॉडल एक्सयूवी है और ये मैम चला रही है। कितनी देर से आप इसको चला रही हैं? एक घंटा हो गया। ओके, तो क्या क्या लगा आपको जो मेरी ऑल्टो से आपने सीखा था, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? क्या आपको डाउटफुल हुआ कुछ थोड़ा बहुत 19-20? क्या जैसे कि ये क्लच पे भी चल लेती है, ठीक है, इसमें एक्सलेट करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। टर्निंग पे इनफैक्ट मेरे को ब्रेक लेना पड़ता है एक्सलेट टर्निंग पे, क्योंकि डीजल गाड़ी है। हाँ। अक्सर मैंने वीडियो में बताया कि डीजल गाड़ी को जब भी हम टर्न करते हैं तो हल्का सा ब्रेक और हल्का सा क्लच लेके टर्न करते हैं, क्योंकि इसका इंजन काफ़ी पावरफुल है। तो मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ कार, और कि कार कौन सी है। बाकी मैम चला रही, बहुत गजब चला रही। गाड़ी का इंटीरियर आप देख सकते हो, ये है एसयूवी महिंद्रा की, जो कि पूजा मैम चला रही हैं और बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रही हैं इसको। ये देख रहे हैं आप, गाड़ी की लंबाई लगभग 15 फीट से ज़्यादा है, और ऐसी गाड़ी चलाना बहुत आसान है, बहुत टफ़ नहीं है। तो मैम मैं देखना चाहूँगा कि बिट्टी को बेल्ट लगा दीजिए। हाँ, बैठा के बेल्ट लगा दीजिए। हाँ, बेल्ट लगा दीजिए, बैठ जाओ बेटा आराम से। चलिए, कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट। सो गाइस, आप देख सकते हैं पूजा जी ने कार स्टार्ट कर दी और अपने आप चलाने जा रही है बहुत प्यार से। और गाड़ी चलाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत ही आराम से आप चला सकते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। अगर आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो आप बहुत आसानी से कार चला सकते हैं, और कार चलाना बहुत ही आसान है। बट लोगों को लगता है ना कि बड़ी गाड़ी हम कैसे चलाएंगे, तो दोस्तों बड़ी गाड़ी चलाना और भी आसान है, क्योंकि जिस गाड़ी का हमको बोनेट दिखता है वो गाड़ी बहुत ही ईजी है चलाने में। अभी मैंने इनको रिवर्स भी कराया, पार्किंग भी कराया, बहुत सारी चीज़ें कराई जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से किया है और काफ़ी अच्छे से कंट्रोल भी कर पा रही हैं। अभी मैं इनको खड़ी गाड़ी से इट बनवाऊंगा यहाँ पे। गज़ब, काफ़ी बड़ा गड्ढा है सामने, फिर भी मैम ने बहुत प्यार से निकाला है, बहुत ही अच्छे से। सो गाइस, आप देख सकते हैं लेडीज़ों को अक्सर लगता है कि बड़ी गाड़ी वो नहीं चला सकती, बट आराम से वो चला सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से चला सकती हैं। अब मैं बैठूंगा पीछे, ठीक है, चलाएंगी मैम गाड़ी। चलिए, कैसा लग रहा है? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। चलो बढ़ाओ, अब थोड़ा सा आप चला लो पहले, फिर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रिवर्स, सीधा सीधा गाड़ी लेके जाओ, फिर बताता हूँ क्या करना है। हाँ, सीधा सीधा जाओ, थोड़ा सा बढ़ा के, सेकेंड गियर में बढ़ा के, जैसे अभी आपने राउंड किया है वैसे सेकेंड गियर में बढ़ा के फिर राउंड करो। सेकेंड गियर में बिना एक्सेलेटर चल सकती है, जरूरी नहीं कि आप एक्सेलेटर दबाओ, है ना? लड्डू, बस तो मजे आ रहे हैं भाई बच्चे के, मम्मी गाड़ी चला रही हैं। है
गुड, वेरी गुड। अभी आपको गाड़ी रोकनी है जब मैं बताऊंगा, जब सीधा जाने दो, सीधी सीधी कर लो। हाँ अभी जाने दो, बस स्टॉप करो यहाँ पे, पूरा क्लच धीरे से ब्रेक। हाँ गुड, स्टॉप। अब इसको रिवर्स गियर डालो, एकदम सीधा लेके जाना है। गुड, एकदम सीधा, कुछ मोड़ना नहीं, दाएं बाएं कुछ भी नहीं करना है। चलो एकदम सीधा सीधा, एक्सीलेटर की कोई नीड नहीं होती रिवर्स में, क्लच और ब्रेक पे ही पैर होता है। अब राइट काट दो पूरी स्टीयरिंग फुल, फुल कटी रहने दो, जाने दो धीरे धीरे, जाने दो। हाँ जाने दो, गुड। अभी सीधी कर लो स्टीयरिंग पूरी फुल, बस वेरी गुड, जाने दो एकदम सीधा। हल्का लेफ्ट आओ मेरी तरफ, हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं, बस सीधी रखो। गुड, एक्सीलेटर क्यों दे रहे हो आप? ब्रेक है तो क्लच पूरा मत छोड़ो, हाफ क्लच छोड़ो। अगर पूरा क्लच नहीं छोड़ोगे तो गाड़ी इतनी तेज नहीं भागेगी। जाने दो धीरे धीरे। हाँ अभी अब राइट काट दो पूरी फुल, फुल काट दो राइट, कटिए फुल, जाने दो। क्लच में प्रेशर है ना, कटी रहने दो, फुल 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 कटी रहने दो, फुल फुल पूरा सर्कल जाने दो, राउंड गोल, पूरा जीरो बनाना है आपको, पूरा राउंड हो गया, पूरा एक सर्कल। अब देखो 90 डिग्री से भी कटी रहने दो। मैम सीधी क्यों कर रहे हो आप, ऐसे मत करो। हाँ कटी है, अभी जब मैं बोलूँगा तब पूरी लेफ्ट काटना। अभी ये पूरा सर्कल हो गया, जाने दो जब मैं बोलूँगा। अभी पूरी लेफ्ट काट दो फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट, इतना टाइम लोगे, एक सेकंड में पूरी पावर स्टीयरिंग गाड़ी घूमती है। अब लेफ्ट वाले मिरर को देखो, लेफ्ट वाले मिरर को, हाँ स्लो करके एकदम, फुल कटी रहने दो, फुल कटी रहने दो, फुल जब मैं बोलूँगा तब राइट काट देना। अब पूरी राइट काट दो फटाफट जल्दी से। अब बहुत वक्त लेती है पूजा जी स्टीयरिंग घुमाने में, मक्खन जैसे एक उंगली से घूमती है, दो सेकंड में। स्टीयरिंग को आप टाइट पकड़ते हैं इसलिए वो समय लगता है। अभी जब मैं बोलूँगा तो एक हाथ से पूरी स्टीयरिंग घुमानी, दूसरे हाथ से नहीं, एक ही हाथ से पूरा राउंड कर देना, ठीक है? चलो लेफ्ट काटो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। हाँ गजब, ऐसे कटती है ये, कटी, इसको कहते हैं 90 डिग्री। समझ में आ रहा है मैं क्या करवा रहा हूँ? हाँ, क्या करवा रहा हूँ? 8 बनवा रहा हूँ। यहाँ पेड़ नहीं है फिर भी 8 बन रहा है। अभी राइट काट दो पूरी फुल, इससे स्टीयरिंग का अंदाज़ा हो जाएगा आपको, ठीक है? बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी सीधी करो गाड़ी और एक राउंड, बस हल्का जाने दो एकदम सीधा, थोड़ा लेफ्ट आओ मेरी तरफ, बस स्टॉप। अब देखो रोको, अब देखो आपको कैमरे में नज़र में आ रहा है पीछे मिट्टी का एक वो मलवा पड़ा हुआ है, अब कितनी दूर मलवा है? हाँ चलो और जाने दो, उससे सटा के रोकना है आपको। अब इससे अंदाज़ा लो, समझ लो ये वॉल है, समझ लो ये वॉल है, जाने दो। हाँ और जाने दो, और ये रेड वाली जो लाइन है वहाँ तक आप जा सकते हो, और थोड़ा, और बस स्टॉप, बस अब लास्ट मोमेंट है, एकदम लास्ट। अब देखो कैमरे में इतना अच्छा व्यूज़ नहीं मिलता है, बट मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, क्लच दबाए रखना दोस्तों। ये है देखो, यहाँ पे मिट्टी का ये ढेर पड़ा हुआ है, मलवा है, और ये गाड़ी है, ये इसका जो लेग गार्ड है आप देखेंगे, लेग गार्ड, और ये अभी भी कम से कम 1 फीट का स्पेस है, तो इतना अच्छा कैमरे में इसका व्यूज़ नहीं मिल पाता है, इतना अच्छा कैमरे में नहीं मिल पाता है। बाकी अभी अब स्पेस ज़्यादा नहीं है, उसके सिर्फ 1 फीट स्पेस है। अब आप फर्स्ट गियर में कर लो इसको, ठीक है? चलो जाओ, अभी मैं आपको पार्किंग करना सिखाऊंगा, जाने दो। अभी आप सीधा सीधा चलाओ, ठीक है? अभी स्टॉप करो, रुको, ठीक है? जैसे सपोज करो कि आपके जस्ट बगल में कोई पार्किंग है, पोर्च है, पोर्च में गाड़ी खड़ी करनी है कम जगह में, जैसे मैंने वहाँ बल्ली के पास नहीं आपको रुकवाया था मानस सिटी के अंदर, तो कम जगह में गाड़ी अगर खड़ी करनी दो पेड़ों के बीच में, तो आप कैसे पार्क करोगे? सपोज करो ये सामने देखो, ये देखो तो झाड़ी लगी है, तो इधर झाड़ी इधर इसके बीच में खड़ी करनी है आपको पार्किंग में, ठीक है? तो अभी वहीं ले चलो, मैं बताता हूँ, गाड़ी ले चलो वहीं, उन दोनों के बीच में खड़ी करनी है। हाँ जाने दो, मैं बताऊंगा क्या करना है। अब राइट काट लो, राइट काट लो पूरी फुल, फुल राइट फुल, हाँ फुल गड्डी रहने दो। हाँ जाने दो, जाओ बस सीधी करो गाड़ी, बस 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 सीधी करो, सीधी सीधी बस। अब पहले आप मिरर चेक कर लो, थोड़ा सा पीछे जाओ, सीधा सीधा जाना, टेढ़ा मेढ़ा मत जाने देना, एकदम सीधा सीधा जाने दो धीरे धीरे।
बस स्टॉप, बस स्टॉप, अब पूरी लेफ्ट काट दो फुल, खड़ी गाड़ी इसको बोलते 90 डिग्री से खड़ी गाड़ी को घुमाना, हो गया। अब पूरा क्लच नहीं छोड़ना, चावल चावल गाड़ी जानी चाहिए अंदर, एकदम धीरे धीरे, हाँ जाने दो एकदम धीरे धीरे, हाँ जितना स्लो चलाओगी ना उतना अच्छे से, एकदम धीरे धीरे, हाँ जाओ जाओ जाओ, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जाने दो फुल कटी रहने दो, फुल जाने दो जाने दो, और जाओ और जाओ और जाओ और स्टॉप, बस अब स्टीयरिंग सीधा करो, हो गया सीधा, अब जाओ सीधा सीधा एकदम सीधा जाओ, जाने दो जाने दो, और जाओ स्टॉप। अब देखो दोनों झाड़ियों के बीच में आ गई गाड़ी, प्रॉपर आ गई नहीं आ गई, थोड़ा सा और पीछे जाऊं, स्टॉप। अब देखो कम जगह में आपने गाड़ी, रोक लो, अब देखो दोनों झाड़ियों के बीच में गाड़ी आराम से लग गई, स्पेस इधर भी लगभग लगभग एक से डेढ़ फिट का स्पेस है, और इधर इधर भी एक से डेढ़ फिट का स्पेस है, दोनों साइड स्पेस है जी। अब गाड़ी निकालो निकालो, गाड़ी निकाल लो बाहर सीधा सीधा, एकदम सीधा ले जाओ, बस अभी वापस सीधी सीधी लेके जाओ उसी में, एकदम सीधा, गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया गुड। फिर अब इस बार गाड़ी निकालो, इधर लेके जाओ, इधर लेके जाओ, फिर वापस इसमें लेके लगाना, अभी यहां से यहां से यहां से लेके जाओ, यहां लेके आओ, वहां से नहीं, अब लेके जाओ इधर, बस अब उसी में फिर ले जाके वापस लगाओ, स्टॉप, बस सीधी कर लो, आगे ले आओ, गाड़ी को पहले बाहर तो निकाला करो, अगर पोर्च में ऐसे हुई तब तो दीवार वाल गिर जाएगी, फिर आप गाड़ी को पहले बाहर निकाल लिया करो ना, सपोज करो कि वो पोर्च है ना, आप पहले ही घुमा देते हो, अब गाड़ी सीधी ले जाओ, वहां ले जाओ आगे बढ़ा के, बस अब लगाओ वापस, गुड 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 गुड, स्टॉप, बस अब टायर सीधा करो, बस चलो पीछे जाओ बच्चा। देखो आप जो गाड़ी, पता है क्या कर रहे थे आप, गाड़ी पहले निकाल दे रहे थे, मुझे ना आईडिया नहीं, मतलब कौन सा वाला पेड़ भूल गई थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये पेड़ देखो, पेड़ का कचूमर निकल गया है, तो पेड़ पे टायर चढ़ गया, ये देखो बेचारे की हालत क्या हुई है। चलो अब निकाल लो, अब आपको जैसे चलाना है यहाँ पे वैसे चला लो आप, अब सीधा ले लो, अब बैक गियर डालने की जरूरत नहीं है, अब आप अपने आप चला लो जैसा भी आपको सुटेबल रहे। सो गाइस आपने देखा
पूजा जी को कि इन्होंने आज अपनी कार चलाई। थोड़ा सा है प्रैक्टिस की अभी ज़रूरत है, बाकी धीरे धीरे चीज़ें चलाते चलाते काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।